नाजरीन आज मैं हूँ बीडन रोड अमृतसरी दही भल्ले वालों के पास, जो कि 1948 से यानी 74 साल से यहाँ पर दही भल्ले बना रहे हैं। आए चलकर देखते हैं इनके दही भल्लों का टेस्ट कैसा है और लोगों को इनके दही भल्लों की खास बात क्या लगती है। हम ज़्यादा इधर ये शौक से खाने आते हैं, क्रीम भल्ले हो गए, और इनकी जो सबसे अच्छी डिश ज़्यादा लगती है वो चने चाट है। टेस्ट कैसा लगता है आपको? टेस्ट बहुत ही बढ़िया, ये जब से ये टेस्ट किया ना और कोई टेस्ट जबान को जो है ना भाता ही नहीं है। अच्छा, क्या खास बात लगती है इनके क्रीम भल्लों की आप खा रहे हैं अभी? ये क्रीम भल्लों में इनका जो है ना टेस्ट, ये एक दो जगह से और भी मैंने खाए हैं, लेकिन ये लेवल, ये टेस्ट नहीं मिलता। जो इनका, इनके मसाला जात जो है बहुत ही हल्के हैं, वो जैसे आम आप किसी शॉप से खा लोगे अजीब सी वो आपको कैफियत होगी, लेकिन इनका जो है एक मियार है, एक लेवल है, साफ़ सुथराई है, बहुत अच्छा निज़ाम है इनका। खास बात क्या लगती है इनके दही भल्लों? खास बात असल में ये है कि मुझे इनके टेस्ट के अलावा कहीं और जो है ना मज़ा नहीं आया, क्योंकि इनके भल्लों में भी मटन यूज़ करते हैं, कोई ऐसा भी इनका जो है ना रेसिपी है, तो बड़ा अच्छा इनका टेस्ट। कितने अरसे से आप यहाँ से दही भल्ले? 74 से। 74 से जी। अच्छा, खास बात क्या लगती है? इनका जायका एक अपना है, पूरे लाहौर में एक मुनफरिद जायका है इनका, इसलिए वो घर वाले भी जो हैं वो और कोई पसंद नहीं करते, फिर इधर आना पड़ता है। दही भल्लों की खास बात क्या लगती है आपको? दही भल्ले इनके मसाले जो हैं वो इतने तेज़ नहीं हैं, और दही जो है वो इनका अच्छा है, सफाई सुथराई है इनकी। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर मोहम्मद नवाज साहब। आप मुझे बताएं कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और सबसे पहले किसने काम शुरू किया था? ये सबसे पहले मेरे बाल साहब ने ये काम किया था, ये शुरू तो हम 48 से काम कर रहे हैं। ये तो कितने किस्म के दही भल्ले लगाते हैं आप? हमारे पास दही भल्ले भी हैं और क्रीम वाले भल्ले भी हैं, और हमारे पास मटन भल्ले भी हैं, हमारे पास फ्रूट चाट भी है, आलू चने भी हैं और क्रीम चाट भी है। आप कितने किस्म के फ्रूट चाट बनाते हैं? फ्रूट चाट दो किस्म की बनती है, एक सादी फ्रूट चाट खट्टे वाली और एक क्रीम वाली चाट होती है। और फ्रूट चाट की खास बात क्या है? फ्रूट चाट जो है उसमें खट्टा होता है, वो लेडीज ज्यादा पसंद करती हैं। लोग ज्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं? दही भल्ले और क्रीम भल्ले की, क्रीम चाट की। अच्छा, और इसकी खास बात क्या है? अपनी टेस्ट की बात है ना, वो मिठास होती है, क्रीम चाट मीठी होती है, फ्रूट चाट नमकीन होती है, और क्रीम वाले भल्ले जो क्रीमी मिर्च होते हैं, दही भल्ले को अपना मसाला अलहदा है। पकौड़ियाँ और भले आप खुद बनाते हैं या बने बनाए लेते हैं? जी, हम खुद बनाते हैं, अपने बाजारी सौदा नहीं है हमारे पास, मसाला भी हमारा खुद ही अपना बनता है। क्रीम भल्लों के जो भले हैं वो आप किस चीज़ से तैयार करते हैं? वो माश की दाल के बनते हैं, उसको कुटाई करते हैं, उसकी वो दाल तैयार होती है, उसके साथ हम भले बनाते हैं, वो फिर उस क्रीम में ड्रिप करते हैं, फिर गाय को ठंडे करके खिलाते हैं, उसका मसाला अलग होता है। माशाल्लाह, इतने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं, मशहूर शख्सियत आपके पास दही भल्ले खाने जरूर आती होंगी? हाँ जी, बहुत ज्यादा आते हैं जी, बहुत ज्यादा हमारे फिल्म एक्टर सब आते हैं यहाँ पे, जो कि ड्रामा आर्टिस्ट हम सारे आते हैं हमारे पास खाने के लिए। टीवी स्टेशन पे हमारा सामान बहुत जाता है, हमारा गवर्नर हाउस में बड़े ऑर्डर लगते हैं। आप कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हैं? सुबह 9:30 बजे शुरू होता है, सुबह 3 बजे तक होता है। इतने अरसे से आप माशाल्लाह यहाँ काम कर रहे हैं, कभी सोचा कहीं और भी ब्रांच बनानी चाहिए? हमारे पास इतने आदमी नहीं है, यहीं चलता, बस यहाँ चला ही जा रहे हैं काम। हमारे काफ़ी ऑफर आती हैं हमारे पास कि हमें नाम दे दो या हमारे साथ करो, हम नहीं करते। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मेरे लिए क्रीमी फ्रूट चाट और दही भल्ले आ चुके हैं, इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, ये वाकई ही फ्रेश, क्रिस्पी और मसालेदार हैं। आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़।